वेलकम कहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ से हमारी यही दुआ होती है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है ताकि छोटा सा टोटका है वो आप समझ सकें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शहद हमने रखा हुआ है और यहाँ पे केला रखा हुआ है। ये इसके लिए है, इनके फ़ायदे हम आपको बताते हैं। आप केले का छिलका उतार लीजिएगा, चौड़ा वाला उतारिएगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके फ़ायदे भी बताते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखो हमने केले से छिलका उतार लिया है। अब थोड़े से छींटे जैसे के इसके नींबू की रस इस पे छिड़केंगे थोड़ी सी। ये देखो आपको महसूस हो रही है, यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा इसको ऐसे करके सारे केले के छिलके के ऊपर हम लगा लेते हैं। फिर थोड़ी सी शहद लेंगे हम। ये देखो हमने थोड़ी सी शहद लेके रखी हुई है इस चम्मच में। आप थोड़ी सी ज़्यादा लेना, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं, अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये नुस्खा। ये देखो ऐसे ऐसे आपको करना होगा, जैसे कि हमने नींबू की रस जो थी वो हमने इस छिलके के ऊपर लगाई, चौड़ा वाला, इसलिए हम छिलका उतारते हैं ताकि अपने चेहरे पर सही तरीके से हम मसाज कर सकें। चलो अब इनके फ़ायदे आपको बताते हैं। इनके फ़ायदे क्या है कि आजकल के नौजवान लेडीज़ और मर्द जो हैं बहुत परेशान है कि हमारा चेहरा वाइट क्यों नहीं हो रहा और पिंपल निकल आ रहे हैं और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही है और हमारा फेस जो है कील मुहा से काला हो गया है और हम धूप में निकलते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऑयली स्किन रहती है और बहुत सारे फेस के मसाइल है। उन सब से आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। तकरीबन इसको क्या करना होगा ऐसे के मैं आपको रगड़ के दिखाता हूँ, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके आपको रगड़ना होगा अपने फेस पे, तकरीबन गर्दन पे भी 10 से 15 मिनट ऐसे स्क्रबिंग करनी होगी आपको, मसाज करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि 15 मिनट तक आपको इसको छोड़ देना है। फिर ठंडे पानी से या ऐसे ही नॉर्मल जो पानी होता है वो बेस्ट रहता है इस नुस्खे के लिए, वो उससे आपको चेहरा साफ़ कर लेना है, मुंह धो लेना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि आजकल हम कहते हैं हमारा चेहरा वाइट नहीं हो रहा, बहुत सारे क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, टेबलेट यूज़ कर रहे होते हैं और कैप्सूल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। आपको थोड़ा सा फ़ायदा तो होता है पर उसका नतीजा जो है तकरीबन 22-30 दिनों के बाद फिर वही काला चेहरा हो जाता है, फिर पिम्पल निकल आते हैं। उसके लिए ये बेस्ट नुस्खा है और आजकल के नौजवान बहुत परेशान है कि हमारी स्किन वाइट क्यों नहीं हो रही। इससे सारे मसाइल इंशाल्लाह ताला आपको सारे मसाइलों से छुटकारा हासिल होगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा टोटका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो अवेसाल वीडियो को और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।